खरगोन जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे की खेती करने वाले आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के खेत से भारी मात्रा में अवैध गांजे के पौधे जब्त किए हैं। खरगोन के बेड़िया और अबिस्टान थाने के द्वारा कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 प्रकरण दर्ज किए। इनके खेतों से 1116 पौधे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 14 लाख रुपये बताई जा रही है। पीड़िया थाने पर 2 प्रकरण में 90 पौधे और बिस्टान थाने पर 1 प्रकरण में 1026 पौधे जब्त कर पंजीबद्ध किया गया है। एसपी ने बताया कि बेड़िया और बिस्टान थाने के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 1126 गांजे के पौधे, इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है, जिन्हें जब्त किया गया। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सर, ये मादक पदार्थों पर किस तरह कार्रवाई की गई? सर, जेल में बड़ी कार्रवाई की गई। खरगोन पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाकर एक बड़ी कार्रवाई अभी कुछ ही समय पहले की है। इसमें बेड़िया थाने पे 2 प्रकरण अवैध गांजे के दर्ज किए गए हैं, साथ ही साथ 1 प्रकरण बिस्टान थाने में दर्ज किया है। यदि देखा जाए तो इन तीनों प्रकरणों में कुल 1100 से अधिक विकसित गांजे के पौधे बरामद किए हैं और वजन के अनुसार यदि देखा जाए तो करीब 400 किलो के आसपास का ये गांजा होता है और कीमत के अनुसार यदि आकलन किया जाए तो करीब 14-15 लाख का कीमत का ये गांजा है। इस पूरे मामले में अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। डिटेल तथ्य इन्वेस्टिगेशन के पश्चात पता चलेंगे और उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, सर्चिंग और भी जारी रहेगी अभी जिले में? लगातार हमारी इस प्रकार की अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी और कोई भी व्यक्ति अवैध मादक पदार्थों को उगाने में, उनका भंडारण, परिवहन या विक्रय में किसी प्रकार का कोई सहयोग करता है, उसकी यदि कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है तो हम लोग त्वरित वैधानिक कार्रवाई उस पर करेंगे। खरगोन से जाकिर खान की रिपोर्ट।